हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और मेनली हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे नीट 2025 एग्जाम के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना किंगडम मोनेरा से और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इधर कॉलम वन बता रखा है, इधर कॉलम टू, इनको मैच करके बताना है आंसर कौन सा होगा। हेलोफिल्स तो बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। तो ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है ए का फोर्थ, बाकी किसी में दे नहीं रखा है। इसमें ए का पहला दे रखा है, ये भी नहीं होगा, और इसमें दे रखा है ए का तीसरा, तो सी भी नहीं होगा। डी में दे रखा है ए का दूसरा, ये भी नहीं होगा। ए का फोर्थ सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो आंसर इसी से आ रहा है, और बाकी भी मैच करके देख लो। बी का थर्मासीडोफिल्स, ये हॉट स्प्रिंग हो जाएगा इसका मिथेनोजेंस। सी का हो जाएगा गट ऑफ रूमिनेंट, मिथेनोजेंस पाया जाता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, तो सी का हो जाएगा तीसरा। एंड डी, डी का हो जाएगा दूसरा। आंसर एक से आ रहा है, अगर आप लोगों को एक भी याद है तो आंसर ये और मतलब क्वेश्चन ये अपना सही हो जाता है, ए का हो जाएगा फोर्थ। मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर एक मैच कर रहा है, अगर आप लोगों को बाकी याद नहीं है ना, तो अपना एक से क्लिक करके आगे बढ़ जाओ चुपचाप उस क्वेश्चन को। जैसे इसमें ए का फोर्थ है तो अपना आंसर इसी से आ रहा है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन से पाए जाएंगे, इसमें यू बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट होती है अदर बैक्टीरिया से, इसलिए एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें आर्की बैक्टीरिया। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। इधर का यहाँ पे देखो, हेलोफिल्स ए टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया यूजुअली अकर इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन लाइक सॉल्ट पेंस, सॉल्ट बेड एंड सॉल्ट मार्शेस। तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा इसमें आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन ए दे रखा है स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, नो स्टॉक या फिर बेसिलस। आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। ये सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल, दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आंसर अपना इस वजह से हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट ए डिफाइनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, आंसर इसमें माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर ग्लाइकोकेलिक्स। आंसर हो जाएगा इसमें ग्लाइकोकेलिक्स। इधर रखा है यहाँ पर, ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ द सेल इनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलोलॉजिक पॉलीसेक्राइड विद और विदाउट प्रोटीन, इट गिव स्टिकी करेक्टर टू द सेल। तो ग्लाइकोकेलिक्स इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। ग्लाइकोकेलिक्स आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, मिथेनोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सिलाई मोल्ड या फिर डायनोफिलेजिलेट। तो आंसर हो जाएगा इसमें आर्की बैक्टीरिया, कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है नहीं, नीट 2016 का क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा इसमें, मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफिटिक फंजाई, आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा इसमें आर्की बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, आर्की बैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनो बैक्टीरिया आर न्यूमेटोफोर्स, हेट्रोसिस्ट, क्रोमेटोफोर या फिर बेसल बॉडीज। कुछ साइनो बैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटोफोर्स। आंसर हो जाएगा इसमें बी, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर्स। अगला क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज। तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, बच्चा बच्चा आंसर जानता है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी आंसर हो जाएगा इसमें बीजी है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, 2012 नीट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीट 2016 का है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक
रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द मिथेनोजेंस यू बैक्टीरिया एलोफीज एविड थर्मोसिडोफिल्स। क्वेश्चन था द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। आंसर हो जाएगा इसमें मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है रूमिनेंट एनिमल की गट्स में और ये क्या करता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन करता है रूमिनेंट एनिमल के डंग से। इसमें आंसर हो जाएगा मिथेनोजेंस। अगला क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ऑप्शन है डायनोफिलेजिलेट, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिनोइड। नीट 2018 का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसमें डायटम। डायटम आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अगला क्वेश्चन है सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन इन। ऑप्शन है यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। ऑप्शन बी दे रखा है हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। ऑप्शन सी दे रखा है यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड ऑप्शन डी दे रखा है हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो आंसर हो जाएगा इसमें हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। सीलिया अदर प्रोटोजोअन से डिफरेंट है इन हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ये लिख रहा है यहाँ पर देखो आंसर में सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन इन हैविंग टू डिफरेंट ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है क्राइसोफाइट यूग्लिनोइड डायनोफिलेजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूड इन द किंगडम फंजाई मोनेरा एनिमेलिया या फिर प्रोटिस्टा। आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम फंजाइज है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। देखते हैं देखो पहला दे रखा है हमें। ऑप्शन है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड सीथ सेल। यहाँ पे बात हो रही है साइनोबैक्टीरिया की। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल जैसे नोस्टॉक कैन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड सीथ सेल। सीथ नहीं आएगा यहाँ पर आएगा हेटरोसिस्ट। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। यहाँ पे सेल नहीं आएगा यहाँ पर आएगा न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो बी भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंड ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और कॉल्ड पैरासाइट। तो बचा अपना ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा अपना। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। एनसीईआरटी की लाइन है साफ साफ। आंसर अपना हो जाएगा इसमें सी। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड सीथ सेल। सीथ नहीं आएगा यहाँ पर आएगा हेटरोसिस्ट। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो बी भी गलत हो जाएगा ए भी गलत हो जाएगा। और डी में हमको दे रखा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और कॉल्ड सेप्रोफाइट। यहाँ पर आएगा पैरासाइट। तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चा अपना सी। यही अपना आंसर है ये लगेगा हेटरोसिस्ट और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी एंड ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टॉक कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड हेटरोसिस्ट। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला सेप्रोफाइट्स। ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये का हो जाएगा दूसरा। पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल। कहाँ पर रहते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल। ये हो जाएगा बी का तीसरा। पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल लाइक एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो इसका हो जाएगा सी का चौथा। एंड माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस प्लांट रूट। तो डी का हो जाएगा पहला। ए का है दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दे रखा है हमें पहला। डी का पहला सिर्फ इसी में दे रखा है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक मैच कर रहा है तो बाकी देखने की जरूरत है नहीं, जबकि इनमें चार चार दे रखा है। डी का चौथा, डी का चौथा, डी का चौथा। डी का पहला आंसर है। इसी से अपना आंसर आ रहा है पहले से। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। तो डी का पहला हो जाएगा और डी का पहला देवी एक ऑप्शन में रखा है। आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। सैक्रोमाइसिस ये एक यीस्ट है फंजाई और फंजाई यूकैरियोट से यूकैरियोट में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। बाकी में दे रखा है माइक्रोबैक्टीरियम नोस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट है। हमसे पूछा नॉट ए प्रोकैरियोट। तो सैक्रोमाइसिस हो जाएगा यह है यूकैरियोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। सेलुलोज गलत हो जाएगा, हेमीसेलुलोज ये भी गलत हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की एंड प्लांट की होती है सेलुलोज की। तो हमसे पूछा था वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, आंसर हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, आंसर हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्वेश्चन अब सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है इसमें। ऑप्शन ए में दे रखा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही बात है, प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई और फंगस की होती है काइटिन की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की और कवकों की बनी होती है काइटिन की, तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा सही। बी में हमको दे रखा है मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी में हमको दे रखा है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा अपना। हमसे पूछा था सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यही रॉन्ग है, ये भी सही है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी में हमको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये भी सही हो जाएगा। हमसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग यही है, आंसर हो जाएगा अपना सी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विदाउट सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। हमसे पूछा भी ये सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है किंगडम एनिमेलिया से पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग हमको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए में दे रखा है सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग यही है, आंसर अपना यही हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रखा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। रॉन्ग हमसे पूछा तो रॉन्ग यही है, आंसर इसमें अपना बी हो जाएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस वायरोइड प्रियोन एंड लाइकेन से वायरोइड से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड, ऑप्शन ए दे रखा है दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, विद नहीं आएगा यहाँ पर आएगा विदाउट। ऑप्शन बी में दे रखा है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये हो जाएगा सही, डीएनए को लेना देना है नहीं वायरोइड में, आरएनए होगा यहाँ पे, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड, वायरोइड हैव आरएनए फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। नीट 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी की लाइन है, वायरोइड हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। अगला क्वेश्चन है मेड काउ डिजीज इन केटल इज कॉज बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज इनर्ट क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोड फ्री डी एन ए विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर हो जाएगा इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रियोन्स। मेड काउ डिजीज इन केटल इज कॉज बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन बाई एम डब्ल्यू बेजेनरेक, बिल्कुल सही बात है, टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इसके बारे में बताया था एम डब्ल्यू बेजेनरेक ने, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमको दे रखा है मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग आर कोज बाई वायरस, बिल्कुल सही बात है, मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स ये किसके द्वारा होता है वायरस के द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमको दे रखा है द वायरोइड वाई डिस्कवर्ड बाई डी जे वानोवस्की, तो डी जे वानोवस्की नहीं होगा यहाँ पर होगा टीओ डाइनर, टीओ डाइनर, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा था हमसे सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग यही है, आंसर अपना हो जाएगा सी। ऑप्शन डी में हमको दे रखा है डब्ल्यू एम स्टैनलेस सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है अपना डी, ऑप्शन सही है। हमसे पूछा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग है सी, द वायरोइड वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, डीजे वानोवस्की नहीं होगा यहाँ पे, टीओ डाइनर होगा। एंड अगला क्वेश्चन है वायरस डिफरेंट फ्रॉम वायरोइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरोइड डिफरेंट है वायरस से इन हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, वायरोइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर हो जाएगा इसमें सी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, चैप्टर की वीडियो में पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है।
तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।